बढ़िया करूं। अभी यहाँ पे आपको जाना है न्यू में, आ गया। यहाँ पे नाम दे दो, जो भी आपको मशीन का नाम देना है, एंड्रॉइड दे दो इसका नाम। हेलो। देन यहाँ पे टाइप अब में, अच्छा ये लोकेशन है जहाँ पे आपको सेव करनी है अपने वीएम। अच्छा ये सही 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 जो लोकेशन दिया वही चलेगी, वही सही है। हाँ, अब इसमें लिनक्स यहाँ पे करो लिनक्स, वर्जन यहाँ दिखाओ क्या क्या ऑप्शन है, नीचे ले जाओ थोड़ा सा। उधर लिनक्स अदर लिनक्स का तो ठीक है, कर दिया सर। वो 64 बिट की इमेज है तुम्हारे पास कि 32 बिट की है? चलो 64 की गई है मैंने। नेक्स्ट करो, दे दो। यहाँ पे 2 GB रैम अगर हो तो तुम्हारे पास, मतलब 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, कितनी है? चलो 8 GB रैम टोटल मेरे पास। इसको 2 GB दे दो फिर। यदि नेक्स्ट करो, 2048 देते हैं वैसे। हाँ 2048 ओके सर, 24 हो गया ना, ठीक है सर, दे दिया। नेक्स्ट या क्रिएट करो, VDI ओके, नेक्स्ट, फिक्स साइज, यहाँ पे साइज दे दो करीब 20 GB के अराउंड, 20 से 30 GB के अराउंड। 20 दे दी सर, 20 जी 19 जी भी कर, हाँ 23 जी भी कर दी। चलो क्रिएट कर दो। सिलेक्ट तो करी नहीं हमने मशीन। रिलैक्स करवा रहा हूँ अभी। आवाज नहीं आई तुम्हारी? ओके ओके खुलने वाला है, लेकिन कंडीशंस के साथ खुला है। कॉलेज नहीं है अगले 3 हफ्ते तक, और साथ में ये तो बात बोल दी है। हाँ अच्छा, क्या लॉकडाउन खुलने वाला है? अच्छा लॉकडाउन तो खुलेगा, लेकिन स्कूल कॉलेजेस ऑफ रहेंगे, और थोड़ी कंडीशंस और होंगी, वो कंडीशंस अनाउंस होंगी 1 दिन पहले। तो मैं कह रहा था लॉकडाउन में ये इतना वायरस फैलता जा रहा है, खुलने के बाद क्या होगा? तो है, वायरस कोई कंडीशंस के साथ थोड़ी चलेगा। यस सर, देखो क्या होता है, पता नहीं। चाइना तो नॉर्मल हो गया। चाइना नॉर्मल हो गया? यस सर, मेट्रो वगैरह सब चल रही है वहां तो, कॉलेज स्कूल सब खुल गए। सही है, चाइना का भी यस सर, सर एक और बात पूछ लीजिए। मैं इसको अपने में एचक्यूएल मैप वो खोल रहा था ना, एचक्यूएल मैप इंजेक्शन वाला टूल, तो उसमें दिखा रहा था कि योर ऐप इज नॉट अपडेटेड फॉर अ वाइल। तो मैंने उसमें वो कंडीशन डाली, सुडो ऐप गेट अपडेट और एचक्यूएल मैप लिखा था, तो अपडेट तो हुआ नहीं उससे। या हेलो, तुमने ऐसे मैप चलाया तो क्या एरर आ रहा था? अब योर ऐप इज नॉट अपडेटेड फॉर अ लॉन्ग, अच्छा तो चल नहीं रहा था आजकल मैप, फिर नहीं चल नहीं रहा था फिर।
दिखाना मुझे एक बार, या तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख दिया करो मेरे को दिखाने के लिए। ठीक है सर, वो ले लूँगा अगली बार, कल दोबारा करूँगा थोड़ी देर बाद, तो ले लूँगा एक बार स्क्रीनशॉट। देखो नोटिफिकेशन आई होगी तुम्हारे पास ब्राउजर में, किस चीज़ की? कंट्रोल की ब्राउजर में आई होगी। देखो ये तो कुछ बंद ही नहीं हो रहा था, वर्चुअल बॉक्स नहीं बंद नहीं, चौ। वो बोलो ना क्रोम खोलो। अच्छा ठीक है, खोल लिया सर। ठीक है, एक्सेप्ट एंड डाउनलोड, अलाउ लगा दिया डाउनलोड, कितनी कितनी डाउनलोड कर ली भाई? दो लग गई, एक बंद करता हूँ, तीन लग गई शायद से, एक तो हो गई। जो हो गई उसे जरा एक वो कर दो। ओके 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 अच्छा, अब क्या क्या करूँगा यहाँ पे जाके? टूल्स में जाऊँ? टूल्स में ओके, सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स आ गया सर, मिल गया। इसमें स्टोरेज में जाओ एक बारी, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई उस वो की। हाँ होगी सर। ओके okay. गूगल बंद कर दो, क्या कंट्रोल हेलो, या आप ये क्या कंट्रोल हो कर रहे गया? हो क्या सर? वो मोस ये क्या हो गया? ये तो मुझसे आप बिना कंट्रोल पूछे कर कैसे कर रहे हैं? सर, आप कंट्रोल कर रहे हो सर, नहीं यार मैं तो नहीं कर रहा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं ना, ये तो सर टेलनेट वाला काम हो गया, ये SSH वाला। देखो उसमें जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलता है आपको टेलनेट या SSH में, तो ये RDP वाला काम है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल वाला काम है ये। हाँ ठीक है जी, यस सर, लाओ ये हो गया आपका, ओके लगा दिया हमारे एंड्रॉइड की CDB इस पे।
अब ये करते रहना इंस्टॉलेशन इसका। अब काली कर ले, मतलब वो कर ले आईपीएस करेक्ट, आईडीएस कर ले जरा। यस सर। गूगल वाला बंद कर दूंगा। कर दो। हाँ कर दिया सर, बंद कर दिया। आप भी कंट्रोल कर मशीन ऑन कर दो एक बारी, इसमें स्लॉट इंस्टॉल कर लिया। सर सुनो, हाँ छोड़ो कर दो, इट्स नॉट, ऐसे किसने बोला था स्नॉट रन करने को। रुको, ये मंदिर और ऑटोमेटिक कमांड है ये, एंटर तुम प्रेस कर रहे हो क्या? मैं नहीं कर रहा सर, मैं कुछ हो भी नहीं रहा हूँ, तो भी नहीं है। यार मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन, वो हो ही नहीं रही है क्लियर स्क्रीन, क्या है ये? मैं करूँ सर क्लियर स्क्रीन? हाँ क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन, क्लियर कर रहा हूँ, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो रही है। 1 मिनट रुको, ये वी तुम कर रहे मैं हो? नहीं कर रहा सर, सच कह रहा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं, ये अपने आप हो रहा है। क्लियर, क्या ये इनपुट क्यों नहीं ले रहा मेरी स्क्रीन से, क्या दिक्कत है? चलो माउस से तो ले रहा है, मैं उससे चलता हूँ। हाँ मैं लिख देता हूँ सर, जो बोलो मैं लिख देता हूँ। एक मिनट, सर आपने एक्सेस पाई, आपको उस ऐप में तो मैंने परमिशन दी नहीं कि आप मेरा मतलब कि वो कर सकते हो, कर सकते हो, आपने कंट्रोल कैसे किया फिर? दे दिया है तुमने परमिशन भाई, और कैसे दोगे परमिशन? दे तो दी परमिशन। मैंने कब दी सर? मैंने कोई क्लिक किया ही नहीं उस पे।
ऐसा हाँ ही होता है भाई डेस्कटॉप्स में ना, इतना कोई जैसे एंड्रॉइड में परमिशंस मांगता है ना, ऐसा नहीं काम होता उसमें। अच्छा एंड्रॉइड चलाया, जो भी तुम प्लूरल साइट पे कोर्स बता रहे हो ना, कि प्लूरल साइट पे कोई एंड्रॉइड का बता रहे, मोबाइल का जो भी आप बता रहे हो, मेरे साथ एक लिंक शेयर कर देना, वो ठीक है सर, कर दूंगा। कौन से की बात कर रहे हो। वही सीईएच में दिया होता एंड्रॉइड हैकिंग। अच्छा चलो देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो अभी ठीक हमें जाना है ब्राउज नेटवर्क, ओके क्लोज। सो ATC कहाँ गया, वायरस वगैरह है भाई तुम्हारे कंप्यूटर में, क्या बात है। अच्छा सर, ये वायरस नहीं है सर, ऐसे नोटिफिकेशन है फालतू। कोई फील मैंने इंस्टॉल कर रखा है, एड्स वगैरह जो आपने बताया था ना कि तो मैसेज जो पॉपअप वगैरह आते हैं उस पर क्लिक करने पे मालवेयर, उस टाइप के हैं ये, वही काम है, ये फ्रॉडी चीज़ है। कोई खेल लगा रखा है, कोई खेल ला रखा है। बढ़िया है। यस यस नॉट। सो ये हमारा फोल्डर है जहाँ पे स्नॉट इंस्टॉल हुआ है, और यस सर, ठीक यहाँ पे आप देख सकते हो जो पाथ है वो है स्लैश /etc/snot, ठीक है। यस सर, यहाँ पे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट फाइल है वो है हमारी snot.conf, तो ये हमारी जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल है snot की। यार इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कितना मुश्किल है यूज करना, आदत ही नहीं है बिल्कुल क्या भी क्या इसकी। दिक्कत। छोड़ो यार मैं ऐसे नहीं कर सकता, यहाँ पे एक टर्मिनल खोलो, यहाँ पे आ गए, रुक जा भाई। अच्छा खोल दिया, करो ls, करो ls-la। लिस्ट ऑल। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक फोल्डर है रूल के नाम से, और हमारी है कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल snot.conf के नाम से। सो करते हैं सर जरा व्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, तो करो कैट कैट स्पेस लगाना है, सुनो स्नॉट, शायद नहीं ऐसी हो जाएगी कैट स्पेस स्नॉट डॉट कॉम। कैट स्नॉट स्नॉट डॉट कॉन्फिग को। ठीक हाँ परमिशन देना है, मैं करो सूडो करो फिर। कारी इवन थ्रेशोल्ड कॉन्फिग, हम स्नॉट के अंदर आ चुके हैं। हम जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल व्यू कर पा रहे हैं, राइट। अब इसको यस सर, स्क्रॉल करो और टॉप पे ले जाओ, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल। माउस नहीं है ना सर, वो वाला टच पैड, स्क्रॉल ऊपर, चल चल ऊपर, ऊपर नहीं जा रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऊपर नहीं जा रहा है। पता नहीं सर ऊपर क्यों नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अब जा रहा है यार, बताओ। तो यहाँ पे जरा फाइल एक्सप्लोर करो एंड गिव मी 2 मिनट्स। ओके, आई विल बी राइट बैक। ओके। या कशिश, सो इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, नीचे चलते हैं, धीरे धीरे चलना आराम से, ठीक है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर जितने भी लाइंस हमारी हैश से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो है कमेंट्स है, ठीक है ना। ये पार्ट ऑफ फाइल नहीं है, ये कमेंटेड आउट है लाइन्स। ओके, सो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। चलो आगे चलते हैं फिर। हैश के आगे वाली जो भी हाँ, हैश के जो आगे वाली लाइन है, जिनके आगे हैश नहीं लगा, रुक जाओ, 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 जाओ। बहुत तेज चलेगा, तुम रुक जाओ, कोई नहीं, रुक जाओ, अब यहीं पे रुक जाओ, रुक जा, कह रहा हूँ मैं। कंट्रोल आप ही ले लो सर दोबारा से। यार स्क्रॉल हो नहीं रहा ना मेरे से, मतलब मैं ट्राई करता हूँ, होता है कि नहीं होता। देख, कीपैड भी काम नहीं कर रहा है, और उससे उसको छोटे वाले डंडी को पकड़ के नीचे करो ना, शायद हो जाए। डंडी को पकड़ करके। अच्छा, हाँ, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा। ओके, सो तो जिन भी लाइनों के आगे कमेंट, जो कमेंट आउट कर रखी है लाइंस, उनके आगे आप देख सकते हो हैश लगा हुआ होगा, इसको पाउंड का सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी लाइन हमारी पार्ट ऑफ कोड है वो विदाउट हैश होंगे। सो ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा ऊपर। तो बेसिकली ये आईडीएस, आईडीएस है। हमने आईडीएस की बात पहले भी करी थी, हमने थ्योरी वगैरह यस सर, यस डिस्कस सर। करी थी कि भाई ये जो है किसी भी तरह का आईडीएस इंट्रूजन अटेम्प्ट होगा तो उसको डिटेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा। आईडीएस आईपीएस दोनों ही है, ये प्रिवेंट भी कर यस सकता है, सर, ठीक है ना। चाहोगे तो ये पैकेट वॉचमैन ड्रॉप भी कर देगा। हाँ हो गया एक टाइप, देखेगा हाँ भी और रोकेगा भी। ठीक है ना। सो धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं नीचे। सॉरी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, जिस वेरिएबल का नाम है होम अंडर स्कोर नेट, और जिसकी वैल्यू है एनी। यस सर। ओके, ये वेरिएबल का नाम है,
और ये जो है वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। तो होम ठीक है अंडरस्कोर नेट में बेसिकली आप ये वैल्यू देते हो कि भाई मेरा जो होम नेटवर्क है उसका उसमें आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, ठीक है। जैसे जनरली आपकी रहती है इंटरनल नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो इंटरनली मेरा कौन सा होम नेटवर्क है उस आईपी एड्रेस के यहाँ पे रेंज देंगे। अभी हमें जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू लेट यू नो, जस्ट टू लेट यू बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, आई हैव टोल्ड यू के ऐसा रहता है। फिर नीचे अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे आईपी वेयर एक्सटर्नल अंडरस्कोर नेट, यहाँ पे एक्सटर्नल नेट की वैल्यू दे रखी है, ऑल दो अभी ये कमेंटेड आउट है, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट के रहा। सो ये है हमारा जहाँ पे वैल्यू असाइंड है एक्सटर्नल नेट की, और एक्सटर्नल नेट है आपका जो भी आपका नेटवर्क एक्सटर्नल नेटवर्क रहेगा आपका, ओके। यहाँ पे भी अभी हमने वैल्यूज दोनों ही वेरिएबल्स की एनी एनी सेट कर रखी है, ठीक है ना। यस सर और यहाँ पे देख सकते हो एक और ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि आप ऐसे भी वैल्यूज सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सक्लेमेशन का मार्क होता है नॉट का सिंबल, ओके। डॉलर से आप वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हो, कभी वेरिएबल को एक्सेस करोगे डॉलर लगा करके वेरिएबल नाम के आगे हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने बेसिक क्या कुछ आवाज कटी थी बीच में, आपने एसएम क्या बताया, वो एक्सप्लेनेशन क्या बताया था, एक्सप्लेनेशन के बारे, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में क्या बताया? मैंने कहा एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है नॉट, ओके, अच्छा हाँ ठीक है, नोट, हाँ याद आ गया, नोट ठीक नॉट, हाँ। एंड देन डॉलर का जो साइन है वो बेसिकली है एंड वेरिएबल अच्छा को एक्सेस करने के लिए है, एंड नहीं है, वो दूसरा हो एंड गया होता है, एंड वाला, हाँ 10% का साइन होता है वो, किस, ठीक M% का साइन होता है ना एंड के लिए, याद आ रहा है नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, एक मिनट सर, बस एक मिनट, हाँ जी सर अब बताइए। हाँ जी, सो मैं आपको बता रहा था हम जो डॉलर का साइन है वो एक्सेल डॉलर का साइन था, हाँ डॉलर का साइन बता रहे थे, हाँ हाँ यही, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ओके वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं होम अंडरस्कोर नेट, ठीक है ना, कि जो भी उसकी वैल्यू है जो जो वो, तो हम एक्सटर्नल नेट में कैसी वैल्यू सेट कर रहे हैं, वॉट एवर इज नॉट दिस वैल्यू, ओके। वो ओके एक्सटर्नल नेटवर्क ना, जो भी हमारा होम नेटवर्क नहीं है वो हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क है, यहाँ पे वो दे ये लाइन दे रखी है, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक ओके सर है। चलो ऑल्दो हमें इन सब चीज़ों की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको। चलते हैं नीचे, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, ये सब एडवांस यूसेज के लिए हैं, अभी इनिशियली आपको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमारे थ्योरी सेक्शन में, जब हम थ्योरी कवर कर रहे थे, कि ये जो IDS, IPS या फायरवॉल चीज़ें सब चीज़ें होती हैं, ये हमारे रूल सेट के ऊपर काम करती हैं। कोई रूल्स होते हैं, इनका इनबाउंड रूल्स होते हैं, आउटबाउंड रूल्स होते हैं। फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन बताई थी मैंने शायद से विंडोज़ की, राइट। हाँ आप उस टाइम नेटवर्क चले गए थे ना, तो आपने वहां तक लेके चले गए थे जहाँ पे आपने दिखाए थे कि रूल्स, अपने रूल्स जैसे आप करा रहे थे ना कि अपने रूल्स बनाना, तब हाँ, तक तो नेटवर्क की होगी थी काम, नेटवर्क की काम हो गई थी। नेटवर्क काम करना बंद कर गया था। अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो क्या है, मैं आपको ये बता रहा था कि ये सब चीज़ें जो है हमारे रूल सेट के ऊपर काम करते हैं, कि जैसे जिस तरह का हम रूल डिफाइन करेंगे उसके बेस उसके बिहाफ पे हमारा ये पैकेट्स को ब्लॉक करेगा या अलाउ करेगा या ड्रॉप करेगा, जो कुछ भी करेगा, ठीक है ना। और रूल्स मैंने आपको बताया था कि हम पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, आईपी एड्रेसेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल, इन सब के बिहाफ पे हम रूल्स बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम अभी रूल्स देखेंगे एक मिनट के अंदर, फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं एक वेरिएबल है
जिसकी जिसका वेरिएबल का नाम है रूल अंडरस्कोर पाथ और जिसकी वैल्यू दे रखी है स्लैश etc स्लैश नॉट स्लैश रूल्स। ये फोल्डर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, याद है? हाँ दिखा रहा था। तो वो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर हमारे पास सारे सारे रूल्स सेव्ड होते हैं। ओके सर, हाँ ओके, ये यहाँ पे कोई न्यू टैब है क्या? खोल रखा है ये वाला हाँ, इसको करो क्लिक, यहाँ पे करो cd स्लैश etc स्लैश नॉट। यही है। एक सो है लिखने का कुछ हो लिख रहे हैं। इसकी नियत बिगड़ गई सर। ओपन टर्मिनल है यार। यहाँ करो cd रूल्स। सर मेरा कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा सर? तुम्हारा कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा क्या? मेरा कीबोर्ड भी काम नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कंट्रोल करो सर। कैप्स लॉक तो ऑन ऑफ हो रहा है। ये तो काम ही नहीं कर रहा। चलो ये माउस तो काम कर रहा। लिख के मैं यहाँ पे देखता खोल लेता हूँ, फोल्डर हूँ। यहाँ तो लिखा जा रहा है सर। ये देखो लिख रहा हूँ। एक मिनट मैं भी लिख के देखूँ यहाँ पे। यहाँ ऐसे लिखो देखो, एक बार बीजेपी देखो सर। मतलब कीबोर्ड सही है। इनपुट से ये जो इनपुट है काली में नहीं जा रहा यहाँ से, मतलब जो ये शेयरिंग कर रखी है ना हमने। उसकी वजह से सो चलो कोई बात नहीं, तो देखते हैं क्या करना है। अभी जो है मैं यहाँ पे रूल्स का फोल्डर खोलता हूँ। ये रूल्स का फोल्डर खुल गया है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी फाइल्स हैं जिनके एक्सटेंशन डॉट रूल्स डॉट रूल्स हैं। ओके, सो ये जो लिस्ट है ना हमारे पास, ये जो फोल्डर है बेसिकली इस फोल्डर, क्या कह यस रहे सर हो? हाँ, तो इस सुन रहा फोल्डर हूँ। के अंदर बेसिकली हमारे जो भी रूल रूल सेट्स हैं वो यहाँ पे सेव होते हैं। ठीक है ना? तो अगर हमें अपना कोई रूल बनाना है तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक रूल एक फाइल फाइल या तो क्रिएट। यहाँ, हाँ एक रूल फाइल क्रिएट करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी, या फिर यहीं पे हम एक फाइल क्रिएट करके उसमें अपना रूल डाल देते हैं। यस सिंपल, ठीक है ना? चलो जरा देखें, अगर केवल यहाँ पे डाल देने से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा, लेट्स सी। चलना तो नहीं चाहिए ऐसे। लेट्स सी। सो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ नैनो पे ऑन कर, नैनो ऑन करना पड़ेगा टेक्स्ट। सो मैंने रूल पाथ का एक वेरिएबल दिखा दिया, ठीक है ना? और यहाँ पे आ गया हूँ मैं फाइल में, तो यहाँ पे मुझे कुछ सिंटैक्स दिख रहा है, इंक्लूड डॉलर रूल पाथ स्लैश फाइल नेम्स। यस सर। ओके, सो क्या है कि यहाँ पे एक आवाज कट रही है सर। आवाज कट। क्या बोल रहे सर आप? क्या क्या रूल पाथ इंक्लूड रूल पाथ क्या? यहाँ पे देखो सिंटैक्स आपको दिख रहा होगा, इंक्लूड डॉलर रूल पाथ स्लैश
स्लैश चैट डॉट ब्ला ब्ला फाइल नेम्स। यस सर। बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे हमने बता रखा है कि कौन कौन से रूल्स इम्प्लीमेंट करने हैं, कौन कौन से रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं करने हैं इस अच्छा, फाइल स्टेटमेंट बना से। के, फिर फाइल में बना के हमें एडिट करनी होगी लाइन, मतलब इसमें ऐड वाला वेरिएबल। तो वो फाइल जो हमने बनाई होगी वो हमें यहाँ पे भी डालनी पड़ेगी। ऐसे सिंटैक्स चलेगा इंक्लूड डॉलर रूल पाथ, और डॉलर रूल पाथ एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू ऊपर हमने मेंशन कर रखी है, स्लैश etc स्लैश नॉट स्लैश रूल्स, ठीक है ना। उसके आगे फिर यस सर। स्लैश जो भी हमारा फाइल का नाम है डॉट रूल्स, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उस फाइल को हमें रूल्स के फोल्डर में ऐड करना पड़ेगा, सो वो रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके एंड उसके बेसिस पे हम अपना IDS IPS कन्फिगर कर पाएंगे एंड रन कर पाएंगे, ओके ठीक है जी। चलो तो फिर अब रूल का सिंटैक्स देख लेते हैं एक, ठीक है ना। है ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल कैसे स्टॉप कर सकता हूँ, हो गया। हाँ अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब देखो एक बार तुम्हारा कीबोर्ड इनपुट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। देखता था। सूडो मिट। सर आप डाल रहे हो नहीं मैं नहीं डाल रहा, तो डाल कौन रहा है? ये डाल भी रहा है, कुछ डाल रहा है, कुछ कुछ नहीं डाला, सोचा तुम डालो ना होगा एंटर। सर। मैं काली लिख रहा हूँ सर, काली एंटर। देखो आवाज कर आवाज तो आ रही है, देखो तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा शायद से। नहीं सर, हो ही नहीं रहा, स्क्रीन में ऐसी आ रही है जैसे आपको दिख रही है, वही स्क्रीन है। हाँ अच्छा ऐसा क्यों, काली जवाब देगी क्या? काली तुम्हारी जवाब दे गई है, ठीक है। माउस वर्क? माउस काम कर रहा है यस सर। लेकिन कीपैड नहीं काम कर रहा। देखते कोई नहीं, अभी हैं, तुम कुछ कीबोर्ड देखो। हाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड उधार से दे दो। आ तो कहाँ गया ऑन स्क्रीन? ओके इसे ट्राई कर सर। क्या हो गया? कुछ ये कुछ भी ये क्यों 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 नहीं कुछ लिख रहा है? कोई नहीं छोड़ो, तुम ये अभी पे ये स्क्रीन बंद करो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर। स्क्रीन दिख रही है, सो मैं रूल का सिंटैक्स बता रहा था आपको कि रूल जो हम बनाएंगे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो रूल का सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, ये रहा। ओके सो मतलब बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है, डेमो डॉट रूल्स के नाम से। ओके उस टेक्स्ट फाइल को मैं स्लैश रूल्स के फोल्डर में स्नॉट स्लैश etc स्लैश स्नॉट स्लैश रूल्स के फोल्डर में जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं उस फाइल के अंदर क्या लिखूंगा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। फाइल के हाँ अंदर क्या लिखना? मतलब कुछ रूल सेट बनाने हैं ना, कुछ रूल यस बनाने हैं, सर। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अलर्ट। तो ये बेसिकली एक्शन है कि मैं क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है सर। ओके सो मैं अलर्ट की जगह ड्रॉप भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अलाउ भी लिख सकता हूँ। ओके जैसा मतलब समझ में आ रहा है आपको, ड्रॉप करने पे पैकेट ड्रॉप कर देगा, अलाउ करने पे उस पैकेट को पास होने देगा, और अलर्ट
लिखने पे, अलर्ट जब मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या कर रहा है वो, एक अलर्ट जनरेट करेगा। ओके हाँ, मैसेज शो करेगा, ठीक एक अलर्ट मैसेज शो करेगा है फॉलोड बाय प्रोटोकॉल। ओके सर। कि कौन सी प्रोटोकॉल पे मेरे को ये रूल सेट अप्लाई करना है, किस टाइप के पैकेट्स पे मेरे को ये रूल सेट अप्लाई करना है। यस सर। ठीक है जी, ये दो चीज़ें समझ में आ गई सिंटैक्स में, चलें आगे। यस सर। फॉलोड बाय योर सोर्स आईपी एड्रेस। ओके कि उन किन मतलब अब मैं रूल सेट बना रहा हूँ कि अगर कोई मेरे पास पैकेट इस रूल को मैच करेगा तो ये एक्शन परफॉर्म करना, अलर्ट एक्शन परफॉर्म करना अगर कोई रूल को मैच करेगा। रूल क्या है कि पहली बात पैकेट जो है टीसीपी टाइप का होना चाहिए, ठीक ठीक है। है। दूसरी बात उस पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस ये होना चाहिए जो मैंने मेंशन किया है। ओके ओके स्पेस फॉलोड बाय पोर्ट नंबर, उस पैकेट का सोर्स पोर्ट नंबर 80 होना चाहिए। ठीक है ओके ठीक है, ये वैल्यूज हैं, ये मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। आईपी एड्रेस भी मैं जो भी डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। ओके पोर्ट नंबर भी कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉलोड बाय फिर मुझे ये हाइफन एरो का साइन देना है, बेसिकली डायरेक्शन बताते हुए, एक डायरेक्शन का साइन होता है एक तरीके से, ठीक है। कि जो भी पैकेट्स हैं वो मेरे इस आईपी एड्रेस इस पोर्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एंड देन कहाँ जा रहे हैं बोले तो डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट देना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन ठीक आईपी दे देता हूँ, अगर कोई भी पैकेट यहाँ जाएंगे इसके पोर्ट 8080 पे जाएंगे, ये डेस्टिनेशन आईपी स्पेस फॉलोड बाय डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ठीक है। ओके देन किस तरीके का मैसेज फ्लैश करना है, मैं पैरेंथेसिस ओपन करूंगा, पैरेंथेसिस क्लोज करूंगा, पैरेंथेसिस के अंदर मुझे जो है किस तरह का मैसेज एमएसजी कोलन हाय दिस इज माय कस्टम रूल। ओके ये मैसेज अलर्ट जब होएगा, अलर्ट जनरेट होएगा तो ये मैसेज आएगा आपके पास। ठीक है सर। ओके या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ऐसा भी मैसेज लिख सकता हूँ, जो भी मैं मैसेज चाहता हूँ यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। यस। और शायद से मेरे को ऑलरेडी पता हो अगर कि भाई आईपी एड्रेस तो लेट्स से कशिश की मशीन का है, यस सर। सो मैं यहाँ पे लिख दिया बी अलर्ट कशिश इज ट्राइंग टू सेंड टीसीपी पैकेट्स टू यू। ओके ओके कुछ भी मैसेज हो सकता है, जो भी मैसेज मेरे को डिस्प्ले करना है फॉलोड बाय सेमी कोलन एंड एस आई डी। एस आई डी बेसिकली क्या है कि इसकी एक यूनिक आई डी है, ये जो रूल की मैंने लाइन लिखी है ना, ये एक लाइन एक रूल है। इस ऐसे तुमने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे रूल्स की फाइल्स थी, और अगर किसी में रूल की फाइल को ओपन करता तो उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल लाइंस ऑफ रूल्स होते, ठीक है। तो हर रूल की एक अपनी एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, ताकि मैं आईडी से किसी भी रूल को आइडेंटिफाई कर सकूं कि भाई अच्छा ये वाली आईडी का रूल। तो सब एक यूनिक आईडी मेरे को यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे देता हूँ 98989, कोई भी एक यूनिक और बड़ा इंटीजर दे देता हूँ, और यहाँ मैंने एक रूल बना लिया है, एक सैम्पल डेमो रूल क्रिएट कर लिया है। इस रूल का सिंटैक्स समझ में आया आपको? ठीक है सर। आया समझ में? हेलो कशिश करी है मैं। हेलो अरे सर आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? यस सर। सो मैं ये पूछ रहा हूँ ये रूल का सिंटैक्स समझ में आया आपको? यस सर। सो मैंने इस अब अगर आपको मैं ये कहूँ
कि आपको एक अपना कस्टम रूल लिखना है जिसमें आप अलर्ट जनरेट करोगे अगर कोई भी या तो आपकी मशीन को पिंग करने की कोशिश करे या फिर आपकी मशीन किसी को पिंग करने की कोशिश करे। तो अपना एक रूल सेट लिख सकते हो, बना सकते हो अपना एक रूल सेट। पिंग के लिए तो हमें उसके पिंग के लिए क्या पोर्ट, पिंग तो टीसीपी पोर्ट वर्क करता है, सेम ही तो लाइन लिखी जाएगी पिंग के लिए भी। पिंग के लिए नहीं, क्या फर्क पिंग होगा? के लिए क्या फर्क होगा अभी बताता हूँ। देखो पहले ये देखो कि तुम्हारे काली के अंदर जो है वो इनपुट ले रहा है कि नहीं ले रहा है कीबोर्ड। काली बंद करके चला लूँ एक बार। हाँ चला दो बंद करके चेक करो। मशीन पावर तो आ रहा है इनपुट। सर को डॉक्यूमेंट्स में था क्या? क्या डॉक्यूमेंट्स में था? एटीसी फाइल उसके अंदर होगी ना, किसके अंदर है? देख लो स्क्रीन पे देख लो। ये लो देखो दिख गया कहाँ पे अच्छा etc/snot/rules। इट्स एटीसी फोल्डर क्या? cd/etc स्लैश मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है कस्टम रूल्स के नाम से। ओके एंड मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं बेसिकली पिंग के लिए एक अलर्ट जनरेट कर रहा हूँ। अलर्ट सो प्रोटोकॉल कौन सी मैं यूज करूँगा यहाँ पे बताना चाहोगे? प्रोटोकॉल किसी के लिए? पिंग के लिए? पिंग हाँ भाई से आईपी? क्या आईपी? हम्म, गलत जवाब।
ICMP प्रोटोकॉल। अच्छा, इंटरकनेक्शन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिससे ग्रुप वगैरह की चैटिंग वगैरह होती है। नहीं, ग्रुप वगैरह की जैकेट क्या क्या बोला? ICMP वो हो गया ना, जिससे हम एक में वो करते हैं, इसकी कोई ग्रुप वगैरह चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स पे, वो सारा ICMP होता है मैसेजिंग के लिए। वही नहीं तो हो गया, नहीं चलो वो क्या होता है? देख लेना मैं आपको बता रहा हूँ। पिंग जो है आपका अंडर ICMP प्रोटोकॉल पे काम करता है, ICMP प्रोटोकॉल बेस्ड होता है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे मेंशन किया सोर्स आईपी एड्रेस, मैंने यहाँ पे वैल्यू तो मेंशन करी नहीं, मैंने इंस्टेड मेंशन कर दिया एनी। किसी भी सोर्स आईपी एड्रेस से आए, किसी भी सोर्स पोर्ट से आए, ठीक है, अगर ICMP पैकेट आएगा, ठीक है, देन एरो मैंने डायरेक्शन के लिए किया मेंशन, देन मैंने किसी भी पोर्ट के लिए आए, किसी भी आईपी एड्रेस के लिए आए, डेस्टिनेशन मैंने मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे ये मैसेज शो करना, हाय दिस इज जस्ट पिंग अलर्ट बीवेयर, ओके। ऐसा मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया ही तो वो ये शायद कि जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब हमें नहीं मिलती तो एरर जनरेट करने के लिए यूज होता क्या चीज है। एरर जनरेट करने के लिए, जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती तो एरर जनरेट करता है वो ICMP। राइट एरर जनरेट करता है, साथ केवल एक ही काम नहीं होता, बहुत सारे काम सर्व कर पर्पस सर्व करता है ICMP प्रोटोकॉल, ठीक है ना। एक लाइन में डिफाइन नहीं कर पाओगे ICMP को, पढ़ो अभी, ठीक है। क्यों नहीं बताया था मेरे को, उस वीडियो में तीन किसमें? चार बताए थे खाली। एक तो बताया था यही कि एरर शो करता है वो, उस वीडियो में यूट्यूब पे प्रोटोकॉल्स हाँ पे। हाँ तो वो अभी बेसिक लेवल पे है ना, आप और पढ़ोगे और ठीक चीजें, ठीक ठीक है ना। देन मैंने SID मेंशन कर दिया, चलो अब मैं इस फोल्डर को सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में सेव कर दिया इसको, कस्टम रूल्स को। मेरे फाइल का नाम है कस्टम डॉट रूल्स, ओके। अब मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके भी तो मेरे को एडिट करना है ना, वहाँ पे मेरे को रूल भी ऐड करना पड़ेगा, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं रूल ऐड करने के लिए। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ काफी सारे रूल्स ऑलरेडी एडेड है। यहाँ मैंने अपनी लाइन डाल दी, कस्टम डॉट रूल्स, ठीक है जी। देख लिया मैंने अपना रूल इंक्लूड करा दिया, सेव कर देता हूँ फाइल को। फाइल सेव कर दी है, अब मैं जाना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है लॉग के नाम से, ये एम्प्टी फोल्डर है अभी, देख सकते हो तुम। मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ और इसमें कुछ नहीं पड़ा है, ये फोल्डर मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है। तो मैंने फोल्डर क्यों क्रिएट किया, मैंने ये फोल्डर क्रिएट किया है कि जो भी स्नॉट से लॉग्स जनरेट होएगी उन लॉग्स को सेव करने के लिए मैंने ये फोल्डर जनरेट क्रिएट किया है। अब मैं स्नॉट रन करना चाहता हूँ, ठीक है, जिसकी कमांड बहुत इजी है, सिंपल है, स्नॉट है। मतलब मेरे को पहले स्नॉट टाइप करना है, फॉलोड बाय सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स हैं, कुछ फ्लैग्स हैं, ओके। मैंने ये सेम चीज़ें जो है नोट्स में भी क्रिएट
अच्छे से मेंशन कर रखी है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपका ये ICMP का रूल जो मैंने अभी बोला है ना आपको, जो लिखा है ये रहा। पिंग वाला है, पिंग रोकने के लिए, पिंग स्विच हाँ, के ये लिए। रोकने के लिए नहीं है, ये डिटेक्ट करने के लिए है। अलर्ट करेगा हमें, ठीक हाँ, अलर्ट के लिए है ये, ठीक है। है ना। और ये रही इसको रन करने की कमांड, स्नॉट स्पेस हाइफन एल। कहाँ गया? ओके, सो हाइफन एल से मेरे को हाइफन एल फ्लैग होता है लॉग्स के लिए, कि आई वांट के लॉग्स सेव हुए कहाँ पे, यहाँ पे लॉग फोल्डर में। हाइफन बी का मतलब है कि जो फॉर्मेट रहे वो टीसीपी डंप का फॉर्मेट रहे। हाइफन सी है हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए, कि ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करना। ओके, ये कमांड समझ में आ गई जो मैंने लिखी है। ठीक है, ठीक एंटर प्रेस करूं, ओके। सो कुछ एरर है मेरे रूल में, यहाँ दिया मेरे को एरर, एरर अननोन रूल ऑप्शन SID ये करके। चलो देखते हैं जरा क्या गड़बड़ कर दी मैंने। /snot/rules/custom.rules। रूल तो सही लिखा है मैंने, शायद कोलन गलत लगा। हाँ, कोलन नहीं लगा रखा मैंने, यस याद आया। मैं कोलन लगाना भूल गया हूँ, लगा देते हैं, इसमें क्या है। यहाँ पे मैं कोलन लगाना भूल गया था, लगा दिया, सेव कर दिया। और अब मैं रन करने लगा हूँ सेम कमांड, स्नॉट स्पेस हाइफन एल /log। यहाँ पे सेव करना है लॉग्स को। हाइफन पी TCP डम फॉर्मेट के लिए, हाइफन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए। एंटर रन करते हैं, एंड अब ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ, पिंग करके देखता हूँ अपने लूपबैक IP एड्रेस को। ठीक है, इधर ये चल रहा है। या मैं इधर पिंग फ्लैग छोड़ देता हूँ, इधर जाता हूँ LS लॉग फोल्डर में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि दो नई फाइल्स बन गई हैं यहाँ, राइट। एंड यस सर। यहाँ पे एक अलर्ट फाइल है जो कि जिसका साइज बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, देख रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तो कमांड चलाई थी, तो यस सर। इतना वापस से कमांड चलाता हूँ और बढ़ गया है। ये पता है क्यों हो गया है? मैं जरा पिन को रोक देता हूँ, पिन रोक दिया मैंने। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जितनी बार मैं यहाँ पे देखा होगा, मैंने पिंग चला के छोड़ दिया था, तो पिंग के पैकेट बार बार ICMP पैकेट सेंड हो रहे थे, और जितने पैकेट सेंड हो रहे थे वो उतनी बार एक अलर्ट जनरेट कर रहा था, और अलर्ट जनरेट करके वो इस फाइल में लॉग फाइल में अलर्ट लिख दे रहा था। ओके। ठीक है ना। अब क्या हुआ है, इसीलिए तुमने देखा होगा कि मैंने टाइम टू टाइम जब LS-LA किया तो अलर्ट का जो फाइल साइज है वो बढ़ता चला गया है। अब मैंने बंद कर दिया है, अभी देखो अब कांस्टेंट हो गया फाइल का साइज, नहीं अभी भी बढ़ रहा है, अभी पुराने अलर्ट ही लिख रहा है वो। रुक जाओ जरा, एक खजा। जरा व्यू करके देखें अलर्ट को,
ये देखो, मैंने अपना, मेरे पास जो लॉग फाइल थी उसको व्यू किया, तो यहाँ पे अलर्ट आ रहा है, अलर्ट बिवेयर ही हाँ, ओके पिंग अलर्ट बिवेयर, ये जो मेरा मैसेज था, ठीक है ना, ये मेरी SID थी, यूनिक आइडेंटिफायर, ओके। एंड यही नहीं, यहाँ पे अभी तो खैर मैंने लूपबैक IP एड्रेस पे पिंग किया था, अगर और मशीन से मैं पिंग कर रहा होता, यहाँ पे मेरे को सोर्स मशीन का IP एड्रेस भी दिखाता, समझ रहे हो कि भाई ये मशीन आपको पिंग करने की कोशिश कर रही है करके, आ रहा अच्छा, है समझ में? IP एड्रेस नहीं बताएगा।